बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूटी फैमिली। कैसे उम्मीद करते हैं सब खैर से, हमारी दुआएं जहाँ रहे खुश रहें। तो आज जो ना पहले से मौसम जो ना बहुत बहुत बेहतर है। आज धूप भी निकली थी सुबह सुबह, और अभी टाइम जो हो चुका है ना हो चुका है जी 10 बज चुके, और सुबह सुबह धूप भी निकली है, लेकिन अभी जो है ना सूरज फिर जो है ना बादलों के पीछे हो गया और ठंडा ठंडा मौसम हो चुका है। और अभी मैं आया हूँ जी ये मशीन के ऊपर, हमारा चारा पड़ा हुआ जी, ये मैंने लेके जाना है दूसरी तरफ अपने जानवरों की तरफ। और मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं अकेला हूँ, पहले तो बेगम साहब होते थे साथ, हम दोनों इकट्ठा लेके चले जाते थे। आज वो धो रही है कपड़े, वो है जी बिजी। आज व्लॉग हमने इकट्ठा इस वजह से स्टार्ट नहीं किया क्योंकि बेगम साहब थोड़ा सा मेरे साथ सुबह गुस्से इस वजह से हुई हैं। वो मुझे कहती थी कि आप हमें मशीन लेके दें, वॉशिंग मशीन अगर नहीं लेके दे सकते तो फिर ड्राई मशीन लेके दें, चलो स्पिन तो हम कपड़े कर सकें ताकि बच्चों के कपड़े जो ना वो जल्दी सूख गए करें, स्पिनर होगी तो चलो ये टेंशन नहीं है। धोने वाली टेंशन जो होती है चलो वो तो है ही, धोने तो है ही, लेकिन स्पिनर भी तो होना चाहिए। इसी बात पे वो कपड़े धो रही थी और मैंने उनका दुआ सलाम कराया, नहीं चुप करके मैं इधर आ गया। ये देखे लाइन लगी खड़ी कपड़ों के, ये देखे ऐसे, और बच्चों के कपड़े, ये जो कपड़े खड़े ये भी हमारे खड़े हैं, और वो पीछे बच्चों के वो भी हमारे खड़े। ये देखे ये अब्दुल हादी के कपड़े खड़े हुए, ये वाला सारे देखे, ये अब्दुल हादी के नहीं है, ये अब्दुल हादी की नहीं है, वो छोटी ब्लैक वाली नहीं अब्दुल हादी की, ये वाले अब्दुल हादी के नहीं, बाकी सारे अब्दुल हादी के कपड़े। इसी वजह से वो थोड़े से मेरे साथ गुस्से हुई कि मैं डेली कपड़े धोती हूँ, तीन चार दिन लग जाते कपड़े सूखते ही नहीं क्योंकि सर्दी पड़ती है और धूप मज़े की नहीं निकलती इस वजह से। तो मैंने कहा आज मैं अकेले व्लॉग स्टार्ट करता हूँ, और मैंने अकेले नहीं ये लेके जाना है। और ये वाला जी आप लोगों के सामने पड़ा हुआ, और खरगोश माशाल्लाह जी इनको कोई टेंशन नहीं होती, अपनी मर्जी से खाते पीते रहते हैं। ये देखें जैसे बकरियाँ नहीं खाती वैसे ये भी खाते हैं, ये देखें माशाल्लाह। और ये अब्दुल हादी भी आ गया, अब्दुल हादी मम्मा किधर, आपकी मम्मा किधर है, चल अबू को बुला के लाएं कि ये मुझे उठवाएं मैं लेके जाऊं, ठीक हो गया। चले जी अबू को बुलाते हैं क्योंकि हमने बांधना भी है और लेके जाना है, लेके मैं ही जाऊंगा लेकिन मेरे साथ बांधने वाला होना चाहिए, तो बुला लेते हैं फिर लेके चलते हैं। A few moments later, चारा जो है ना वो मैं ले आया हूँ, और अब्दुल हादी भी मेरे पीछे पीछे था, ये देखे, और ये कपड़ा मैंने सर के ऊपर किया हुआ था। अब्दुल हादी और दोनों बच्चे जो मेरे साथ आ गए पीछे पीछे। आप लोग क्या करने आए, वो छोटे छोटे बच्चे आए हैं डॉगी के, डॉगी के बच्चे आप लोगों को दिखाते हैं जी। हाँ जी क्या हाल है आप लोगों के, हाँ जी इनकी माँ पत्नी किधर चली गई, हाँ जी क्या हाल है, देखिए मस्तियाँ कर रहे हैं मस्तियाँ। हाँ जी व्यूअर, मैं आ चुका हूँ वापस जानवरों को चारा वगैरह डाल के, और यहाँ पे बेगम साहबा जो है ना वो कपड़े डाल रही हैं या उतार रही हैं, मुझे पता चला कि छत के ऊपर खड़ी हुई हैं, तो मैंने कहा छत के ऊपर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी हाँ जी व्यूअर कैसी हैं आप, ठीक हूँ, कैसे हो ना, हाँ जी कैसे ठीक है आप, इतनी ठंड में अब मैं आपको क्या बताऊँ। हाँ जी फिर आपके व्यूअर कहते हैं, फिर जो है ना वो काले आती हैं कि आपकी बेगम साहब अच्छा नहीं करती हैं, उनका बिहेवियर सही नहीं है। हाँ जी आती है ना, काले आती हैं, आपसे लड़ूं। और दूसरा आपने फिर कैमरा ऑन किया होता है, और मैंने कल परसों कपड़े डाले, इतने दिनों से मैं कह रही हूँ मुझे स्पिनर ला कर दे दें, परसों कपड़े डाले अब अब्दुल हादी के कपड़े नहीं पहनने के लिए। ओहो अभी तक गिले हैं, अभी तक गिले पड़े हैं। Oh my God. अभी मैं डालने लगी थी उनको कपड़े, और मौसम मैं पहले कह रहा था जी धूप निकल आई, और अभी देखे फिर बादल जो है ना छा चुके हैं, ये देखे जहाँ भी आपकी नजर जाएगी बारिश का मौसम जो है ना वो बन रहा है। ये देखे इसमें बेगम साहब अभी सच्ची हैं, झूठी नहीं है जी, अब मैं क्या कहूँ बेगम साहब झूठी हैं, ऐसी है ना, नहीं फिर कसूर तो मेरा ही बनता है ना कि नहीं जी आपका कैसे बनेगा कसूर। चलो कपड़े धोने वाले, आज कौन से कपड़े धोए आपने, वो सारे वो रजाइयों के लाल वगैरह हैं, ये बच्चों के, मैंने इसलिए बच्चों के डेली धोती हूँ लेकिन खुशक नहीं होते हैं, पूरा हफ्ता हो गया कपड़े खुशक नहीं, बस गुजारा करें, 2 मंथ रह गए उसके बाद फिर गर्मी गर्मी दिन रात कपड़े फिर सूखते ही रहेंगे आपके, तो जब गर्मी आएगी तब देखा जाएगा पता ही। चलो कपड़े धोने के नहीं लेकिन स्पिनर कितना ज्यादा जरूरी, मैंने कहा स्पिनर सिर्फ एक लेके दे दें आप, बस जैसा भी हो वॉशिंग मशीन रहने दो बस एक स्पिनर, अभी बच्चों के कपड़े जो है ना वो खुशक हो जाए, इतनी परेशानी बन जाती है अब्दुल हादी लोगों के कपड़े आपको पता घंटे बाद चेंज करने पड़ते हैं। तो चले ऊपर हवा भी चल रही है देखे ठंडी ठंडी, मैं बस ऊपर अभी आई थी, चले देख लें अगर कुछ सूख गया तो उतार लें, नहीं तो फिर नीचे चले। नहीं अभी तक सारे गिले हैं, मोटे कपड़े आपको पता सर्दियों के होते हैं, हफ्ता हफ्ता खुशक ही नहीं होते। हाँ जी जैसे हमारी थापियां जो है ना ये नहीं खुशक हो रही, इसी तरह कपड़े भी खुशक नहीं होते, इनको भी कितने दिन हो गए अभी भी गिली है। तो चले अब नीचे चलते हैं जी, और उसके बाद बाकी व्लॉग करते हैं। हाँ जी अब ये करने लगी,
अभी अब्दुल आदि के मोटे कपड़े बनाती हूँ। ये मैंने जैकेट उनकी दो ही नहीं थी, पहले दो की दफ़ा पहनी, मैंने फिर खुशक नहीं हो गया। एक तो मोटे कपड़े होते हैं, सही बात है, क्या मैं क्या बताऊँ। अब्दुल आदि जी हम बच्चों के साथ खेल रहे हैं, ये देखे कपड़े कितने गंदे किए हैं। और बेगम साहब इतना ख्याल रखती बच्चों का, इतना रखती, लेकिन फिर भी इनको ठंड जो है ना वो लग जाती है, क्या करें, सर्दी है। अब उतारने लगे हो, उतारने लगे हो। अच्छा ऐसे उतर गया अब, वाह। बस करो खेलने की, बच्चे तो सर्दी में भी इतना इतना खेलते हैं ना, इनका दिल नहीं भरता। इतनी मुझे तो इतनी ठंड लग रही है ना, सही बात है, मैं क्या बताऊं, पता नहीं कब वो वाले कपड़े पिता के नहीं सूखे वो भी सारे आपको ऐसे ही नजर आएंगे ना, किसी के पास भी ना रहो। रात को कमरे में भी लटके खड़े होते हैं कपड़े हमारे बच्चों के, और जहाँ देखे हमारे बच्चों के कपड़े खड़े होते हैं। अभी आप चारों तरफ नजर मारे तो कपड़े ही कपड़े नजर आएंगे सारे। यहाँ पे हमारी डक्स जो है ना, उनको भी सर्दी लग रही है, देखे। हाँ जी, मैं आ चुका हूँ छत के ऊपर, क्योंकि ये हमारा पीड़ा जो है ना ये बाहर पड़ा हुआ था, और ऊपर से आने वाली है बारिश, ऐसा ना हो कि ये गीला हो जाए, ये भी और हमारी चारपाई भी, इसे भी अंदर रखते हैं, क्योंकि गिल्ली होगी तो फिर इन्होंने सूखना नहीं है। चले जी, चारपाई भी रख दी और पीड़ा भी रख दी अंदर। हाँ जी व्यूअर, मैं आ चुका हूँ नीचे, और यहाँ पे अब्दुल आदी को कपड़े पहनाए जा रहे हैं। अब्दुल्ला को पहले कपड़े पहना दिया था, और वो अब अपनी दादो मामा के पास पड़ा हुआ है। और अब्दुल आदी, अब आपने बाहर नहीं जाना, ठीक है ना, क्योंकि सर्दी बहुत है बेटा। हाँ जी, कल इंजेक्शन लगा था ना, किधर लगा था टीका, कहाँ पे लगा था, यहाँ पे। हाँ जी, अब बाहर जाओगे तो फिर लग जाएगा एक और, अब इधर लगेगा, रोज इंजेक्शन आपको लगा करेंगे। आप क्या ना, मेरा नहीं मानते हो ना, सारा दिन बच्चों के साथ खेलता है सारा दिन। अब्दुल्ला तो अभी छोटा है, वो तो फिर भी हम उनको पकड़ पकड़ के जो है ना पास बिठा लेते हैं, लेकिन ये हाथ नहीं आता, हाथ नहीं आता, बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखे क्या है इनके पास, ये देखे काम इनके चेक करे, बैंटों के साथ खेलते रहते हैं। हाँ जी वीवर, तो आज फिर बेगम साहबा जो है ना हमें आलू, मुझे लगता है आलू हमें खिलाएंगी। आपको लगता नहीं है जी, है ही आलू, है ही आलू, है ही आलू शरीफ, आलू शरीफ, क्या करें, शरीफ है ना। आपको ये फ्री में तो नहीं मिलते, सोचने वाली बात है, ऐसे ही है ना, बस फिर ये आजकल सस्ते हो रहे हैं ना, इस वजह से डेली खिला रही हैं आप मुझे, ऐसे है ना, मैं आलू खा के मोटा हो जा रहा हूँ। वाह जबरदस्त, लोग इतनी काविश करते हैं कि हम मोटे हो जाए, जो लिस्से लोग हैं ना स्मार्ट से, हाँ जी, वो बेचारे इतनी काविश करते हैं कि हम जो है ना वो मोटे हो जाए। और अगर आप लोग मोटा होना चाहते हैं तो आलू खाएं, आलू आप खुद खुद चुटकी में आप मोटे होंगे, यकीन माने मैं सस्ते में मोटा हो जा रहा हूँ मैं, सस्ते में होते। चले आप ये आलू शालू काट ले तो उसके बाद देखते हैं। मैं गया हुआ था बाजार, बाजार क्या हमारा छोटी सी दुकान है, वहाँ पे ये घी का पैकेट लेना था, ये लिया, क्योंकि शाम की हांडी रोटी का टाइम हो चुका है, मैंने कहा बिले ये लेके चलते हैं। तो बेगम साहब इंतज़ार कर रही होगी, ये ले, अब ठीक है, काम चल जाएगा। मैं कह रही थी आज हम 500 सालन बना रहे, एक्सपेरिमेंट करते हैं। नहीं नहीं, ऐसे हो सकता है, अल्लाह पाक देने वाला देगा कहीं ना कहीं से। मैंने कहा नहीं फिर ऐसे आप परेशान क्या करें, वैसे सच्ची में पानी से बनाने लगी थी। ओए होए कसम से। चल खैर, आज अब्दुल हादी की तबीयत भी खराब है। अब्दुल हादी बुखार है ना आपको, आज इसकी तबीयत है खराब थोड़ी सी, और आग पे बैठे हुए। हाँ जी व्यूअर, माशाल्लाह आलू हमारे तैयार हो चुके हैं, और शोरबा देखे माशाल्लाह कैसा है। डेली बेगम साहब जो ना न्यू तरीके से सालन बनाती हैं, ऐसी है ना, कोई न्यू तरीका लेके आती है, और इतना मजे का आप आलू शोरबा बना देती हैं कि कमाल हो जाती है, क्या करती है। मैंने कहा आप लोग बोर ना हो ना आलू का सालन खा के, बिल्कुल रोज नए तरीके से बनाने पड़ते हैं। और यहाँ पे अब्दुल्ला बैठा जी, अभी अब्दुल हादी उठा जी, ये देखे के लिए मैं भला क्या बना रही हूँ, क्या बना रही है, मुर्गा बना रही है। नहीं जी, और ये देखे, ये जी उनका बन रहा है कुकू, ये जी कुकू होता है हम जैसे गरीब बच्चों के लिए, सैंडविच कह ले, नहीं रोल, रोल होता है जो बच्चे शहरों में रोल खाते हैं ना। हाँ जी, तो ये वो वाला बन रहा है, वो वाला तो नहीं है वैसे, लेकिन बच्चों को वो वाला बना के दे रहे हैं। ये देखे जी, ये बन गया अब रोल। हाँ जी, बड़े शौक से खाएगा। और अब्दुल हादी से पता क्या कहता है, कुकू कहता है, कुकू, मम्मा मुझे कुकू बना के दो। अब अब्दुल्ला भी कहता मुझे बना के दे, आलू सारे मैं इनके कुकू पे लगा दूंगी बस। तो चले व्यूअर,
खाना खा लेते हैं और उसके बाद जो चाय बनाएंगे, चाय भी बेगम सब बनाएगी और फिर हम पियेंगे सब चाय। ठीक हो गया।